ये मशीन है हमारा, अलग टाइप का मशीन है ये। अच्छा, मेहंदी वड़ा बनाने का मशीन है, हम बनाते हैं, ये बेटर रहता है। तो ये बेटर आप खुद ही बनाते हो या ये हम बाहर से कुछ मंगाते नहीं है? अच्छा, तो हम खुद ही बनाते हैं। ओके, जो भी जो बैटरी जो रहता है सारा आप घर पे खुद रहता है, डेली का रहता है और डेली हमारा यूज होता है, फ्रेश रहता है और साफ सुथरा रहता है। तो गाइस देख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पे मेदू यूज होता है, फ्रेश रहता है और साफ सुथरा रहता है। गाइस देख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पे मेदू वड़ा बनता है, काफी अलग वे में भाई ने शुरू किया है यहाँ पे। सर तेना कहाँ पाहिजे रे, पुढचं पुढचं विचार करा लोक आहे, एक पाच पाहिजे हा करू। बर की काम की बर झालं चटणी बर आमचं स्वस्त आणि मस्त आहे, काय लागेल आणि टेस्ट पण चांगले आहे, इडली पण सॉफ्ट आहे, इडली पण सॉफ्ट असते, उडीद वडा पण क्रिस्पी असते, टेस्ट भारी आहे, क्वालिटी आणि एक प्लेट खाल्लं तर पोळ भरते। तो गाइस कितना फास्ट कितना मेदू वड़ा बन गया आप देख सकते हो। तो रेडी हो गया अपना मेदू वड़ा, हो गया। तो एक प्लेट में चार पीस आते हैं? हाँ, एक प्लेट में चार पीस आता है, कुछ भी ले लो चार आता है। अच्छा, इडली ले लो, वड़ा ले लो, चार आता है। ओके, तो गाइस हमारा मेदू वड़ा हो गया रेडी, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से बना, और इसके साथ आता है सांभर और कोकोनट का चटनी। तो इसका प्राइस क्या पड़ता है एक प्लेट का? 40 रुपये। 40 रुपये। तो गाइस सिर्फ 40 रुपीज़ में आपको इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी फेवरेट प्लेस है यहाँ के लोकल की, आप देख सकते हो। तो गाइस अगर आप कोल्हापुर विजिट कर रहे हो तो आप इनके यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तो जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए। थैंक यू। 12 बजे तक रहता है, सुबह 8 से 12 बजे। 12 बजे तक। और यहाँ का एड्रेस? ये कोल्हापुर सिटी स्टैंड है, इसके बाजू में।